नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ जुराल। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रियलिटी मीडिया के शो में। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित कुमार जी, जो आज अपनी परेशानियों के बारे में हमें बताएंगे जो रियल स्टेट से हमें मिली। कौन से प्रोजेक्ट में ये स्मार्ट सिटी में बुक कराया 2010 में जी। उसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया अमरपाली टीम में लिया। अच्छा अच्छा। और उन्होंने पोजीशन का लेटर दिए कि 2015 तक कटा देंगे 15 अगस्त। आपने कौन से साल में करवाया था सर? 2010 का। और दो पोजीशन डेट क्या मिली थी सर आपको? 2015 की। 2015 की। और अभी आपने सर कंस्ट्रक्शन साइट में जाके देखा है क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस उसने बिल्कुल स्टॉप है, काम कोई नहीं रहा, बिल्कुल खत्म है बिल्कुल। तो सर इसमें आगे आपने क्या स्टेप लिया है? आगे स्टेप लिए हैं कि सेल्स वाले से भी 2-3 मीटिंग हो गई है जी। फिर बोले कि CMD साहब से मीटिंग कराएंगे। अच्छा। और CMD का फर्स्ट टाइम कहाँ की मीटिंग कराएंगे वो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे टाइम दे रहे हैं, इधर हमारा रूम रेंट भी किराए पे जा रहा है, बैंक का लोन भी किस्त जा रहा है, तो ऐसे जो ही दो पैसे बचे तो वो भी दे दिए इनको। जी जी सर, ये प्रॉब्लम है, मतलब आम आदमी अगर ऐसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो सर इसमें बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें भी हैं सर, जैसे आप किसी वकील से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। हमने वकील से नहीं कंसल्ट की है, लेकिन अब प्लान बनाए हैं कि लीगल करें, क्योंकि होम लोन भी जा रहा है, घर के किराया भी जा रहा है, बच्चों का फीस है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर। तो सर आपने मतलब जब ये प्रोजेक्ट चुना था तो आपने किसी के थ्रू लिया था या आपने खुद ही ले लिया? ऐसे प्रोजेक्ट 3-4 ढूंढे, लेकिन उसमें इनकी थोड़ी नाम भी था उस समय। अच्छा, अच्छा। की बढ़िया ग्रुप है जी जी जी, इसके चक्कर में इनके पास ले लिया। अच्छा अच्छा। तो और सर डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे प्रूफ हैं आपके पास? हाँ। जो उन्होंने मतलब पोजीशन डेट दी थी उसका डॉक्यूमेंट है आपके पास? मतलब किताबी उन्होंने काम कागज वाली सारे काम उसने पूरा करा और आपको पोजीशन अभी तक नहीं मिली? और आने वाला टाइम में भी हमें जिस तरह से स्टॉक ही कर रखे हैं जी जी, जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए लो, दूसरे प्रोजेक्ट में लो। लेकिन जब हमारा यहाँ 15 लाख का घर था, अब दूसरे जगह 25 लाख को देगा, 10 लाख कौन देगा? जी जी जी। या इसी रेट में देना चाह रहे हो तो रेडी रेट में दे दो, तो भी मना कर देते। अच्छा, तो मतलब जो आपको वो दे रहे हैं वो आपने जितना पे करा है उससे कम दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे, पैसे के लिए करें किसी का पैसे करें। फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका 20 लाख का फ्लैट है मान लीजिए, तो आपको 10 लाख वाले फ्लैट में भेज रहे हो? 30 लाख। अच्छा, 30 लाख का। हाँ। तो आप बोलोगे 20 लाख का हमने लिया तो दूसरे जगह ले तो वही फ्लैट हमको 30 लाख 10 लाख और। तो सर अभी आपका क्या इनिशिएटिव है, मतलब अब आप क्या करना? उनके साथ और करना है, उसके बाद फिर लीगल के पास ही जाएंगे, क्योंकि लोन भी दे रहे हैं और किराए का भी दे रहे हैं, तो हम लोग तो बस कर रहे हैं, तो रोड पे हम लोग। हाँ जी हाँ जी। अब खाने पे भी लाले पड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं जी सर। तो सर आपके कोई वकील वकील आपने करवाए हो? अभी नहीं किए हैं, लेकिन एक मीटिंग के बाद प्लान है कि करेंगे, या कोई मीडिया मिल जाए, मीडिया वाले को छोड़ भी जाएंगे। तो सर आप अगर आम्रपाली को कुछ कहना चाहें तो आम्र तो आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी की मेहनत से कमाए हुए पैसे का कैसे मिसयूज हो रहा है। अगर कोई आम आदमी इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको ये नहीं पता है कि उसका फ्लैट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज थे हमारे साथ मिस्टर अमित कुमार जी, देखते रहिए रियलिटी मीडिया।